भाई साहब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ ना, मैं अपने ही ब्लॉग में मेहमानों की तरह आ रहा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोनिका एंड यू आर वाचिंग रोहित मोनिका ब्लॉग्स। तो ये रोहित देखो, ही इज ऑन बाइक। हम लोग जा रहे हैं अभी कोई कैफे वैफे में बैठने के लिए। एक्चुअली हम लोग ऋषिकेश पहुंचे, उसको 3 दिन हुआ, बट बहुत ज़्यादा थक गए थे बिकॉज वी केम ऑन बाइक। इट वॉज अ रोड ट्रिप, तो इतनी थकान हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था स्ट्रेस। एंड रोहित इज फाइनली इन द व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। भाई साहब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं अपने ही व्लॉग में मेहमानों की तरह आ रहा हूँ, है ना मोनिका? ये एक्चुअली चैनल इसका है लेकिन ही इज गायब। गायब, चलो अब जल्दी चलो। तो एनीवेज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं कैफे या कहीं भी। अनप्लान डे है, अनप्लान ट्रिप है। लेट्स सी वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप। तो लेट्स गो। यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा देखने मिलती है मुंबई में ना, फिर भी गाय की मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, और ये लक्ष्मण झूला का जो ब्रिज है ना वो देखने लायक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये। और यहाँ पे हर बार इतनी भीड़ रहती है, अभी भी देख लो यहाँ पे। एक्चुअल में अभी मेरे हिसाब से ऑफ सीजन होना चाहिए, बट यहाँ के लोग जब वेकेशन खुलता है बच्चों का तब सीजन इनका पीक रहता है, मतलब जून से इनका सीजन पीक पे चलता है। बिकॉज व्हेन आई केम 1.5 मंथ बैक, तभी यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं इस बार जून 22 को आई हूँ और इतनी ज्यादा भीड़ है, यू कांट इवन इमेजिन। कल तो हम लोग क्या, कल तो हम लोग पैर भी नहीं रख पाए थे ना बाइक से नीचे बाहर, और भी कावड़ वावड़ चलने वाले हैं तो सो लोग गंगा पानी ले जाएंगे, इसलिए फिर यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। आज भीड़ क्यों कम दिख रही है, क्योंकि आज दुकानें उकानें आज दुकानें बंद है, यहाँ पे थर्सडे में सब बंद रहता है ना इसलिए। सो गाइस, दिस इज लक्ष्मण झूला। इसको लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं? नहीं, झूला मतलब कि पूल काइंड ऑफ। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब रोड्स आगे पीछे कर दिए, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे ना फर्स्ट लाइन में बाइक चलनी चाहिए और यहाँ पे पब्लिक चलनी चाहिए, बट पूरा उल्टा पुल्टा चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, बहुत मस्त लगता है। लोग चल चल के जा रहे हैं, बट वी आर लकी इनफ कि हमारे पास बाइक है। ये हनुमान जी का जो पेंटिंग है ना, बहुत मस्त लग रहा है। पूरी दीवारों पे दिख रहा कितना मस्त पेंटिंग किया है, कितना मेंटेन किया है। ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब फोटोजेनिक लगा। आई थिंक वी मे गो टू द कैफे या फिर कहीं चाय वाय पिए। ये देखो, ये सारी है ना टूरिस्ट की गाड़ियों की पार्किंग है, कितनी भरी हुई है। और यहाँ पे पूरा आपको लक्ष्मण झूला के इस पार ना पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा दिखेंगे। ये देखो गाइस, दोनों साइड पे इतने पेड़ है, इतना जंगल जैसा है, उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन काफी फ्रेश है। यहाँ पे ऊपर देखो लोग कैसे बैठे, नीचे आराम से सुकून से बैठे। देखो ये रास्ता इतना पतला है ना, लोग अटक चुके हैं। थैंक गॉड वी केम ऑन बाइक। बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, वी हैव कम टू वन वंडरफुल कैफे, मतलब थोड़ा कम बजट वाला है, गुड, बट लुक एट द सीटिंग एरिया, मतलब आप यहाँ पे बैठोगे, हाँ आप यहाँ पे बैठोगे और सामने गंगा को देखोगे वहाँ पे, मतलब बहुत मस्त लगा मेरे को ये। हम जा रहे थे तो हमने ये देखा, तो सोचा कि चलो बैठ जाते हैं। यहाँ पे मस्त अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, यहाँ सीटिंग है, यहाँ गंगा है, और ये रेस देखो, ये कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज, अभी खाने में आई है मैगी और चाय, और ये मस्त गंगा के सामने हम बैठ के खा रहे हैं। हाउ डू यू फील? बहुत पसीना आ रहा है, अब भी पंखा चलवा है। रोहित को देखो कितने पसीने आ रहे हैं। बहुत मेहनत करता हूँ ना मैं तेरे व्लॉग के लिए, है ना? ओह माय गॉड, है ना, देख पसीना दिख रहा है ना तेरे को। चल ईट उठा, पत्थर उठा, गोनी उठा, व्लॉग के लिए बोला है मैंने। पैसे दे पहले ही सबके, कर दूंगा। टाटा, पास करना पानी, पास करना। थैंक यू, बहुत प्यार से दिया। ये कैफे तो कवर हो गया है, अब हम जा रहे हैं तपोवन की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या करते हैं वहाँ पे, कोई आइडिया नहीं है। लेट्स गो एंड चेक आउट ओवर देयर कि वहाँ पे क्या करना है।
पैर रखने की भीड़ नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पैर रखने की भीड़ नहीं है गाइस, ऋषिकेश में तो पैर रखने की तक जगह नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। गाइस अभी हम आए हैं पिज्जा खाने के लिए, है ना रोहित? मेरे साइड पे ज्यादा डाल दिया चिली फ्लेक्स।